नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण से पहले थोड़ी देर जल्दी से बात गोडसे के हिमायती गोडसे के बारे में बात करने वाली प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में भी बात कर लिया जाए। प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में फिर से गोडसे के बारे में बोला। उनके उस बयान पे भाजपा बहुत सीरियस रही और जो जेपी नड्डा हैं कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कैमरे के सामने आके, मीडिया के सामने आके बताया कि ये जो बयान है इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। स्टेटमेंट गिवन बाय द मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर यस्टरडे इज कंडेमनेबल। भारतीय जनता पार्टी नेवर सपोर्ट्स सच स्टेटमेंट एंड वी डू नॉट सपोर्ट दिस आइडियोलॉजी। वी हैव डिसाइडेड दैट शी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द Consultative Committee of Defence, and in this session she will not be allowed to participate in the Parliamentary Party meeting. We are very clear about it that we condemn her statement and we do not support this ideology. मतलब एक तरह से सजा के तौर ही पे मुझे तो लगा, इसको कोई और कुछ कहे, जो Defence की Consultative Committee होती है Parliament की, उससे उन्होंने कहा कि हम उससे उनको हटा रहे हैं, क्योंकि उस पे भी शोर मचा था कि मालेगांव ब्लास्ट, मतलब देश के अगेंस्ट एक आतंक फैलाने की उनके ऊपर अभियोग है, उसकी अभियुक्त होने के साथ साथ वो देश की डिफेंस कमेटी में भी, कंसल्टेटिव कमेटी में भी रख ली गई थी, तो उन्होंने उसको हटाया। उन्होंने आगे सजा के तौर पे ही, मुझे ये लगता है, उन्होंने कहा तो नहीं सजा, लेकिन जिसका मतलब यही था, उन्होंने कहा कि अब बाकी सेशन जो बचा है उस पर जो पार्लियामेंट्री पार्टी की भाजपा की बैठक होगी उसमें प्रज्ञा ठाकुर जी के ऊपर रोक है वहां आने से। इसके बाद राजनाथ सिंह भी आए, वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि महात्मा गांधी से कहीं कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती कि महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, नीतियां हैं, हम उससे अलग हटें, और ये बिल्कुल हम भाजपा इस तरह की बातों से को की निंदा करती है। इस तरह की बात अगर आपको याद हो, उन्होंने एक बार पहले भी गोडसे की बात कही थी और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैंने प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ़ नहीं किया है। इन सब के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने जब कल जब ये सब हो गया तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, मैंने तो उधम सिंह के ऊपर रिएक्शन दिया था और मेरा गोडसे की बात मैंने नहीं की थी। तो अब एक चीज़ स्पष्ट है, जेपी नड्डा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह जी जो प्रधानमंत्री के बाद मेरे ख्याल में वरिष्ठतम लीडर हैं भाजपा के, इन दोनों लोगों ने उसकी भर्त्सना की है। अब या तो प्रज्ञा ठाकुर झूठ बोल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनाथ सिंह या नड्डा जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग सत्य नहीं कह रहे हैं। मतलब आप ही की पार्टी में आपके एक बयान, गोडसे के बयान के चलते आपको के ऊपर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है कि आपको संसदीय समिति से हटाया जाता है डिफेंस की, रक्षा की, आपको बाकी दिनों के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में आने से मना किया जाता है, और अब आप कहते हैं कि मैंने तो बात कही नहीं थी। तो या तो आप गलत हैं, आप जो कह रही हैं वो गलत बयान है, या जो आपके ये जो शीर्ष नेता हैं, नेतृत्व है, उसने गलती की है। ये एक मतलब अजीब सी टैक्टिस है। पहली जो मूलभूत चीज़ है, अगर आप इस तरह की थी, अगर वो इस तरह की, तो वो एकदम से नहीं हुई हैं। उन्होंने हेमंत करकरे के बारे में भी बहुत सी चीज़ें कही थी जो शहीद हुए थे, उनको टिकट ही क्यों दिया गया था? अब मीडिया में तो बात साफ साफ आ रही है कि उनको अरुण जेटली मना कर रहे थे, लेकिन अमित शाह जी का बहुत इंसिस्टेंस था कि उनको टिकट दिया जाए। तो मूल बात यह है कि उनको टिकट ही क्यों दिया गया था? जैसे कई लोग कहते हैं कि गंगा को साफ करो, तो गंगा को गंदा ही क्यों करो? मतलब साफ करने की जरूरत ही ना आए तो आप पहले गंगा को गंदा ही मत करिए। उसी तरह से आपको टिकट ही ना दिया जाए। खैर, प्रज्ञा ठाकुर की बात यहाँ रोक के अब हम लोग बात कर लें जरा महाराष्ट्र की। कल महाराष्ट्र में शपथ समारोह हो गया शिवाजी पार्क में, जो शिवसेना का बहुत ही प्रिय पार्क है। वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने शाम को 6:40 पे मुहूर्त के हिसाब से शपथ ली। मैं फिर से इसको 10 पॉइंट में जल्दी से समाप्त करूंगा। पहली चीज़ है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये कांग्रेस उनके साथ चली गई है और शिवसेना का तो नॉन कम्युनल एजेंडा है, या इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इसको दूसरे ढंग से भी देख रहा हूँ, ये तो नज़रिए की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई पार्टी जो कॉम्युनल एजेंडा थी, जब वो अपने वोट के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ रही थी, आज जो वो बड़े अगर कैनवस पर आई है, तो ये तो कांग्रेस की या एनसीपी की जीत है कि उसने कॉम्युनल पार्टी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर के होने की बात कही है और जिसको उन्होंने माना भी है। तो ये तो अगर आप उस तरह से देखिए, तो जिन लोगों को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को यह है कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहें, उनकी ये जीत है। दूसरा, एक जगह खतरा मुझे ये लगा है कि उद्धव ठाकरे जी ने मंच पर आके शपथ लेने के बाद माथा टेक के, जिसको कहते हैं, अभिनंदन किया था। उन्होंने एक तरह से आम आदमी को
जो आम किसान था, जो आम शिव सैनिक था, उसके सामने शीश नवाया था, उसने उस ईश्वर के सामने शीश नवाया था। लेकिन कभी कभी खतरा ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब 2014 में शपथ ली थी तो पार्लियामेंट में जब आए थे वो, तो उन्होंने पार्लियामेंट के सामने उन्होंने भी माथा टेका था। उसके बाद पार्लियामेंट की हालत क्या हुई है, किस तरह से चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं। तीसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें, क्योंकि आज पेपर आप उठा के देख लिए, दैनिक जागरण ने उनके जो सेकेंड बाई, जिसको मतलब पहला हेडलाइन है शपथ, दूसरा उसमें है कि सोनिया राहुल गांधी अनुपस्थित। अरे भाई, ये सोनिया राहुल गांधी अगर अनुपस्थित हैं तो इसको लोग न्यूज़ बना रहे हैं। बेसिकली ये कोशिश की जा रही है कहने की कि इसके इसमें सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं इसमें ये कहूँगा कि अभी सोनिया गांधी का इस शपथ में आने का कोई कारण नहीं, और वो थोड़ी जल्दी हो जाती, क्योंकि अभी तो इस कोलिएशन को कुछ दिन चलना है। ये मानना है कि इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तो लोग चल रहे हैं, उनकी नीतियाँ एक हैं, उसके बाद अगर कोई कार्यक्रम हो ना आए तो बात बनती है, लेकिन आज आने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। राहुल गांधी तो किसी पद पर नहीं है, राहुल गांधी अपने को जब से वो इस्तीफा दिए हैं उन्होंने अध्यक्ष पद से, तब से वो मोर और लेस अपने को इलेक्शन के कैंपेन को छोड़ के उन्होंने अपने को काफ़ी कुछ विड्रॉ कर रखा है। और कांग्रेस की तरफ से बाकी सारे नेता, उनके खड़गे जी थे, कमलनाथ जी थे, कपिल सिब्बल जी थे, अब अभिषेक मनु सिंह भी थे, सब लोग थे वहाँ उपस्थित भाई, तो पूरी कांग्रेस की टीम वहाँ पर थी। चौथी बात, ये मेरे हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, 5 साल एक शासन चलाया उन्होंने, ये अच्छा है कि कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर आ रहा है, और ऐसा चीफ मिनिस्टर जो जो बिल्कुल ठेठ बंबई में रहता है, जो मराठियों की बातें समझता है, जो महाराष्ट्र की बातें समझता है, जिसका एक विचार ओवरऑल देश के बारे में भी है। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार की कहीं कहीं आलोचना भी करते रहे हैं, जिनकी एक नई दृष्टि है, जिनका एक नया प्रयोग है मैं कहूँगा, तो ये सारी चीज़ों में एक नया चीफ मिनिस्टर आने से मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। एक कल एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ममता बनर्जी ने कहा, उनका कहना यह है कि बंगाल जो है वो कल्चरल कैपिटल है, जहाँ पे अभी तक बीजेपी नहीं कुछ कर पाई है, मतलब स्टेट में तो उन्हीं का राज है, और उनका कहना है महाराष्ट्र जो है वो एक आर्थिक कैपिटल है हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा ये बड़ी बात है कि एक कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक कैपिटल और एक आर्थिक कैपिटल में आज बीजेपी का शासन नहीं है। एक अच्छी बात ये थी कि राज ठाकरे का आना एक अच्छा संकेत था, क्योंकि अभी ये कोई मानना कि राज ठाकरे साथ आ जाएंगे, मेरे हिसाब से राज ठाकरे अभी कहीं इस गठबंधन, वैसे वो एनसीपी और कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन अभी ये मानना कि घर वापसी और शिवसेना में आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे नंबर टू मोर और लेस डिसाइड हो गया है कि आदित्य ठाकरे ही वहाँ के नंबर टू रहेंगे। लेकिन इसी में नेक्स्ट जनरेशन में सुप्रिया सूले का बहुत कद बढ़ गया है अब, मतलब सुप्रिया सूले का आत्मविश्वास भी, आप जब कल वो हो रही थी स्वेरिंग सेरेमनी, तो सुप्रिया सूले का वो आत्मविश्वास भी वहाँ दिख रहा था। इन सारी चीज़ों के बाद में मुझे सिर्फ एक चीज़ से दिक्कत थी, जो कहीं पे फांस की तरह या इस पूरे उसमें मतलब जैसे कंकड़ आ जाए, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ये तीन उद्योगपति या एक उद्योगपति और उनका परिवार मंच पे आ गया था और उनको मंच पे जगह दी गई थी, ये मेरे हिसाब से कहीं से भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक मतलब हरदम याद रखा जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र में किस तरह से गिरावट आई है। और वो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी किसान को ऊपर बिठाए होते, आप बंबई की बात कर रहे हैं तो बंबई के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड का कोई बड़ा आर्टिस्ट अगर आप बिठाए होते तो किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि आज बॉम्बे जाना जाता है बॉलीवुड की वजह से। आप तेंदुलकर को, गवास्कर को, किसी क्रिकेटर को बुलाए होते किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप एक ऐसे औद्योगिक घराने को और वो भी ऊपर ला के बिठा रहे हैं, और वो भी केवल मुकेश अंबानी नहीं, उनकी पत्नी आ रही है, और जैसा व्यवहार आपने देखा होगा कि मतलब जब सब लोग बैठ गए तो वो भी आई सबको मिलने की, मैं सबको जानती हूँ। आज पेपर में खबर छपी है और फोटो छपी है कि किस तरह से ना केवल शिवसेना और ये लोग, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस उन लोगों की अगवानी कर रहे हैं, तो ये तो एक खराब संकेत मेरे हिसाब से है। क्योंकि मैं इसलिए भी ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वहाँ पे शरद पवार भी थे, शरद पवार की पत्नी का एक अहम रोल रहा था अजीत पवार को वापस लाने में। ये समझ में आता है कि भाई उद्धव ठाकरे की पत्नी वहाँ बैठी थी, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, लेकिन बाकी किसी नेता की पत्नी को आपने देखा? तो मुकेश अंबानी की पत्नी जी किस किस हैसियत से
उस मंच पे और उनका लड़का किस हैसियत से उस मंच पे थे। उद्धव ठाकरे का जो छोटा लड़का है तेजस, वो सामने की कहीं रो में दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा कहा गया है कि कहीं पीछे वो थे, लेकिन सामने तो मुझे नहीं दिखे। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं खटकी है कि देश की में अगर यही अंबानी और इन लोगों का राज चलना है तो शुभ संकेत नहीं है, यही एक सारे उसमें गड़बड़ है। अब मैं, ये तो सात चीजें थी, अब मैं आपको तीन चैलेंजेस जो तुरंत उद्धव ठाकरे के सामने हैं वो मैं डिस्कस कर लें। पहला चीज तो है किसान। पिछले 25-30 साल से जो सरकार आती है वो कहती है हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने कहा ही था उस दिन जब डिप्टी सीएम की शपथ ली थी कि भाई किसानों का कार्य में देरी हो रही थी इसलिए हमने वो ले लिया। तो ये किसान को क्या करेंगे कैसे करेंगे नहीं मालूम। इसी के साथ एक दूसरी चीज ये है कि जैसे हर पार्टी का कुछ यूएसपी हो जाता है। केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी विद्यालयों का अद्भुत टर्न अराउंड किया है, लोग याद कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोई बात उद्धव ठाकरे किसानों के लिए कर पाएंगे? जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और जो बाकी दलों से तालमेल है वो भी एक बहुत टाइट रोप वॉकिंग होगा, वो बहुत आसान चीजें नहीं रहेंगी। उद्धव ठाकरे जी एक नई ऊर्जा, नए मन, बिना किसी बैगेज के आ रहे हैं, तो आशा है कि वो कुछ ना कुछ इसमें मैनेज कर पाएंगे। चैलेंज नंबर थ्री, और जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खतरा, भाजपा और अमित शाह, उनसे जो तीन पार्टी के विधायक हैं उनसे कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि ये कोई सुरक्षा एसपीजी एनएसजी से नहीं होगी। ये सुरक्षा उस लोभ को कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे कर्नाटक में हुआ ये प्राण प्रण से, क्योंकि जैसे इज्जत की बात है इस समय अमित शाह की, पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से इन तीनों पार्टियों के विधायक टूटे। तो उनको सहेज के रखना भी मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।